हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कालाकंद के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो उसमें जो हमारा लगने वाला मटेरियल है वो हमारा इस प्रकार है कि ये देख रहे हैं, ये मिल्क पाउडर है एवरीडे का। तो इसमें जो मैं लूँगा, इसमें से 2 कटोरी मुझे मिल्क पाउडर चाहिए। आप देख सकते हैं, देख सकते हैं 1 कटोरी मैंने। इससे क्या होता है, आप जब नाप लेते हो ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। तो 1 कटोरी हमने डाल दिया है, देख सकते हैं। ये दूसरा कटोरी हमने डाल दिया मिल्क पाउडर। अब इसमें हम जब 2 कटोरी आप मिल्क पाउडर डालते हो तो 1 कटोरी आपको पानी डालना पड़ेगा, लेकिन जिस कटोरी से आप मिल्क पाउडर डालते हो उसी से ही आपको 1 डालना है। ये देखिए, मैंने वाटर ऐड कर दिया 1 कटोरी। और ये हम गैस पे ना रख के अभी हम ऐसे ही नीचे रखे हैं, और इसको पहले हम ऐसे ही मिक्स करेंगे, उसके बाद गैस पे रखेंगे। पहले हम ऐसे ही मिक्स करेंगे इसको। देख सकते हैं, मैं इसको अब गैस ऑन कर दिया है, और इसको हम मीडियम पे ही इसको करना है, तेज़ नहीं करना है, इसको लो मीडियम पे ही करना है। अब इसको हम इसी तरह से चलाते रहेंगे। देखिए, हमने मिक्स कर लिया था। इसमें आपको मिल्क नहीं लगने वाला है, इसमें मावा नहीं लगने वाला है, केवल इसमें पाउडर, मिल्क पाउडर से और आपका शक्कर से हो जाएगा। देखिए, हम इसको चलाते रहेंगे ऐसे, देख सकते हैं। इसमें हम शक्कर डालते हैं, इसको हम स्लो पे ही करेंगे। और देखिए, आधी कटोरी हमने इसमें शक्कर का पाउडर डाल दिया। हम शक्कर ना डाल के इस पे शक्कर का पाउडर भी अब डाल सकते हैं। ये देखिए, हम इसको मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं कि इसको मैं ऐसे चला रहा हूँ स्लो गैस पे। तो अब ये क्या, इसमें लम्स पड़ना शुरू हो गए। तभी इसमें हम डालते हैं 1.5 चम्मच नींबू का रस। और याद रहे, जब आप नींबू का रस डालते हो तो गैस को आपको बिल्कुल मीडियम में रखना है, ज़्यादा तेज़ में नहीं तो कम में भी नहीं, आपको मीडियम में रखना है। इसको डाल देना है नींबू को। अब ये देखिए, हमने नींबू डाल दिया। अब इसको हम चलाना शुरू कर देंगे, रोकना नहीं है। देख सकते हैं, इसको मैं चलाता जा रहा हूँ, ये बिल्कुल गाढ़ा होता जा रहा है, ये देख सकते हैं आप। देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अब रेडी होने वाला है ये। तो इसमें हम इलायची पाउडर डाल देते हैं, 2 हमने कूट के डाला था इसमें। ये इलायची का पाउडर है, 2 हमने खलबत्ते में कूट लिया था। बस ये रेडी होने ही वाला है, देख सकते हैं। ये हमारा हो गया, हम गैस को बंद कर देते हैं। अब देखिए, हमने एक छोटा सा ट्रे लिया है जिसमें हमने बटर पेपर लगा के इसमें थोड़ा ऑयल डाला है, इसको हम मिला लेंगे। देख सकते हैं, हमने इसमें ऑयल लगा लिया है बटर पेपर में। तो हम इसमें अभी जो हमारा ये कलाकंद का रेडी हुआ मटेरियल हम इसमें रखते हैं। ये देखिए, हमने इस पर डाल दिया था। अब इसमें हम थोड़े बादाम डालेंगे, थोड़े से कटे हुए, ऐसे आप पिस्ता भी आप डाल सकते हो, पर मैंने बादाम डाला है, थोड़े डाल देंगे ऐसे। ये देख सकते हैं, हमने कट का निशान लगाया इस टाइप का, ये देखिए। इसमें देखिए, हम गुलाब के फूल लगा रहे हैं। मेरे पास सूखे भी पड़े थे, थोड़े ताज़े वाले भी पड़े थे, तो मैं सूखा दोनों लगा देता हूँ, तो ये थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। देख सकते हैं कि हमारा कलाकंद रेडी हो गया। ये रेसिपी आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।